एक सीरीज स्टार्ट किया था, एवरी संडे स्ट्रेटेजी प्रोवाइड किया, मतलब प्रोवाइड करने का। लास्ट संडे भी मैं एक स्ट्रेटेजी दिया और इस संडे को भी आपको एक स्ट्रेटेजी मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक और सीरीज स्टार्ट करूँ जहाँ पर मैं आपको वीकली, मतलब संडे को या सैटरडे को एक वीडियो बनाकर बताऊँ कि जो आने वाला वीक है, आने वाला वीक में आप कौन सा 5-6 स्टॉक्स आप ले सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। ओके, पोजिशनल ट्रेड के लिए जो एनालिसिस करके मैं दूंगा आपको 5 या 6 या 7 जैसे जितना भी होगा मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक, उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कब बाय करना है और कब तक सेल करना है, कब तक होल्ड करना है। और जो नेक्स्ट संडे आएगा, नेक्स्ट संडे सबसे पहले क्या करूंगा, जो आज मैंने स्ट्रेटेजी आपको, जो आज मैंने स्टॉक दिया एनालिसिस करके पोजिशनल के लिए, उसका सबसे पहले डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट संडे। डिस्कशन करेंगे कि जो बोला था वो गया है उतना मार्केट, या स्टॉप लॉस हिट हुआ, या कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए, फर्दर वीक के लिए जो स्टॉक्स होगा एनालिसिस करके पोजिशनल के लिए वो बताएंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैं 100% श्योर शॉट जो कॉल्स है वो प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं उससे। और अगर आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में फ्रीली ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक मिलेगा। थ्रू दिस डीमैट अकाउंट लिंक आप अकाउंट क्रिएट कीजिए और आपका जो क्लाइंट आईडी वो हमेशा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, तो आपको हम जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर फ्रीली ऐड कर लेंगे। ओके, तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पर आपको एनालिसिस करके बताते कौन सा स्टॉक होगा हमारे पास 5-6 कितना निकल के आएगा, देखेंगे वो एनालिसिस करके देंगे और नेक्स्ट संडे आपको बताएंगे कि स्टॉप लॉस हुआ या बाइंग पोजीशन मिला, सेलिंग पोजीशन मिला कि नहीं मिला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब डिस्कस करेंगे और फर्दर वीक के लिए हम एनालिसिस करके देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओके गाइस, तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ओके, तो मैंने सिलेक्शन करके 3 स्टॉक निकाला निफ्टी 500 से। ओके, 3 स्टॉक ही हमको मिल रहा था पोजिशनल के लिए। आप ये 3 स्टॉक में काम कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं अगर आपका जो बाइंग लेवल है वो आपको मिल जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ओके गाइस, तो पहला स्टॉक है इन्फीबीम। ओके, पहला स्टॉक है इन्फीबीम, आप निकाल लीजिए अपने चार्ट पे इन्फीबीम का स्टॉक। ओके, इन्फीबीम निकाल लीजिए। तो ये एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये मैं जो पोजिशनल ट्रेड है निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेटजी का थोड़ा सा मैं एक कल वीडियो अपलोड करूँगा, एक स्ट्रेटजी, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा तो कैसे मैंने क्या अप्लाई किया, तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप बस मार्क करके रख लीजिए लेवल्स को, कौन सा लेवल्स के ऊपर बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, और बाकी जब स्ट्रेटजी कल प्रोवाइड करूँगा वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। पेपर ट्रेड 2-3 दिन कर लीजिएगा, उसके बाद रियल ट्रेड कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइएगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यह है इन्फीबीम का चार्ट, देखिए बहुत ही नीचे ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है अप मूव, ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। बाय कब करेंगे, ये वाला जो लेवल है बाय अबव लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर, ये कैंडल का हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे। ओके, सिंपली तब हम बाय करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, हमारा सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा इधर, इस कैंडल के लो और लो के थोड़ा सा नीचे इधर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर हम बाई करेंगे। तो अप्रोक्स आपको बता देते हैं हम बाई कब करेंगे, 45.946 पे बाई करेंगे और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 44.5। ओके, कहाँ बाई करेंगे हम, 46 प्लस हम बाई करेंगे और हमारा एसएल रहेगा 44.5, 1.5 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 46
के ऊपर जाता है कैंडल तो हम बाई करेंगे 1000, 2000, 5000 ऐसे क्वांटिटी बाई कर लेंगे और 1.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा देंगे और बैठे रहेंगे जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। हमारा टारगेट कौन सा है? हमारा टारगेट है 48। ओके, अगर आप 1000 क्वांटिटी भी बाई करेंगे तो 46 से 48 2 रुपीज़ का हमारा टारगेट, तो 1000 क्वांटिटी ऐड करने पर आपको 2000 का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, जितना क्वांटिटी ऐड करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और एक पेनी स्टॉक जैसे 45 रुपीज़ का है, तो बहुत ही छोटा सा स्टॉक है। ओके गाइस, तो देखिए ये मार्क करके ले लीजिए, छोटा स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है और लॉस भी कम दे सकता है, ज़रा नहीं। ओके, इसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक हो गया इन्फीबीम, उसके बाद ये फैनकीज, आपको तो पता है फैनकीज कौन सा स्टॉक है, क्या क्या बनाता है, ये मेयोनीज वगैरह ये सब बनाता है फैनकीज। ओके, ये स्टॉक है, देखिए कंटिन्यूसली ये भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम अपर साइड के लिए काम करेंगे। कब करेंगे काम? 3098 के ऊपर, 3098 के ऊपर जब जाएगा तब हम बाय करेंगे। हमारा टारगेट कहाँ पर रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट 3160। ओके, अप्रॉक्स 62 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा हमारा इसमें। ओके, और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस कैंडल के लो पे रहेगा, अप्रॉक्स आपको बता देते हैं 3032। ओके, तो हम 100 एक काम करते हैं, 100 नहीं थोड़ा सा नीचे इधर इस कैंडल के लो पे लगाते हैं। ओके, इस पॉइंट पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस पॉइंट पे ये जो है 3055 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 48 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा 62 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहेगा। एसएल कितना रहेगा? 48 पॉइंट्स का। ओके, तो इसमें भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, लेकिन ये कब कौन कर सकता है? बड़ा ट्रेडर्स जिसके पास अमाउंट ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो कमा सकते हैं इसमें। अगर इस पर एक बार मैं चेक कर लेता फ्यूचर्स में है क्या, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ गाइस। ओके गाइस, इसका कोई फ्यूचर ऑप्शन वगैरह नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, ये कैश में आपको काम करना होगा, बाय करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें आपको काम करने के लिए। जो लेवल्स है मार्क करके ले रख लीजिए आप, ये भी प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट संडे हम एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कितना प्रॉफिट दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, टारगेट इधर तक पकड़ के लीजिए, 3200 को पकड़ के लीजिए। ओके, 3200 तक मिलेगा हमको आराम से। ओके, तो इसको हटाते हैं और हम नेक्स्ट लास्ट जो हमारा तीन ही स्टॉक है, लास्ट स्टॉक जो है वो है जनरल इंश्योरेंस का। ओके, तो ये भी छोटा सा स्टॉक है, अच्छा खासा प्रॉफिट ये भी दे सकता है। ये जो है ये वाला एरिया एक सपोर्ट वाला एरिया है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हम टारगेट रखेंगे 177, बाई करेंगे 174.85 के ऊपर, मतलब 175 पे बाई करेंगे, पकड़ लीजिए। ओके, 175 से 172 पॉइंट्स का। ओके, ये भी 1000 क्वांटिटी अगर हम बाई कर लेते तो हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है? 2000। ये वीकली पोजिशनल आप बाय कर सकते हैं। ओके गाइज, जब आपको ये टारगेट अचीव होगा तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके वेट कर सकते हैं फर्दर पॉइंट्स के लिए, और नहीं तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको तीन पॉइंट्स स्टॉप लॉस नहीं बताया, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 173 पे, 175 पे बाई करेंगे, 173 पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो आपका क्या हुआ? रिसीवर रेशियो हुआ 1:1 का। ओके, 2 रुपीज़ लॉस होगा तो 2 रुपीज़ प्रॉफिट भी होगा। तो ऐसे अच्छा खासा काम कीजिए आप, मैंने बता दिया आपको कैसे ट्रेड लेना है यहाँ पर, और इसका जो स्ट्रेटेजी है वो मैं कल प्रोवाइड करूँगा आपको, वो वीडियो देख लेना। बाकी तो ठीक है, अभी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, आप मार्क करके ले लीजिए, मंडे अगर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो बाई कर लीजिएगा ये सब स्टॉक्स, और होल्ड करके रखिए जब तक टारगेट अचीव नहीं होता, और नहीं तो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। जब तक हिट नहीं होता तब तक वेट कीजिए।
ओके गाइस, ये ध्यान रखना, जब तक टारगेट मिल गया तो एग्जिट करो, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट भी नहीं मिला तो होल्ड करते रहो, 1 वीक 2 वीक जितना भी हो सके होल्ड करके रखो बस। मैं खुद बताऊंगा कब एग्जिट करना होगा, ऐसा होगा तो साइडवेज चलता रहेगा तो। ओके गाइज, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन को प्रेस करने पर ही आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।